अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे प्रश्न 21, 22, 23, 24, 25, ये जो 5 प्रश्न हैं जो वॉल के उस तरफ एक अलहदा ही रीजन बनाए हुए हैं। इनमें 3 प्रश्न 125 गज के हैं और 2 प्रश्न 250 गज के। अगर मैं 125 पे बात करते हैं पहले, जो लीस्ट प्लॉट्स की कैटेगरी और यहाँ पे रेट जो चले गए थे वो 55 से 65 लाख रुपए तक की रेट्स की ब्रैकेट हो गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा भाई सारे नहा रहे हैं इस हमाम में तो हम भी हाथ धो लेते हैं। कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पे, ना कोई घर बन सकता है ना वो लिवेबल है अभी, क्योंकि दे आर फार फार अवे। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, हमेशा जिक्र करता हूँ कि थ्रेशोल्ड है कि इधर गेट के करीब जब रेट ऊपर जाते हैं तो फिर लोग सस्ती वाली चीज़ की तरफ लपकते हैं। सस्ती वाली चीज़ भी फिर डिमांड में, और डिमांड ज़्यादा हो तो फिर वो भी ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगी। और अब जब रेट टूटना शुरू हुआ है तो सर ऐसा धड़ाम करके नीचे गिरे हैं ये, कि आपको 23, 24, 25 में 125 गज का प्लॉट आपको 45 से 44 लाख रुपए में मेरे से ले। बेचने वाले हैं उनके उनका उनके पास बायर मौजूद नहीं है, बायर है जो बड़ी तोड़ के कीमत लगाता है, तो कभी कभी वो बेच देते हैं, कभी वो रिलक्टेंट हो जाते हैं। एक बात। दूसरा, अच्छा ये मैं बात कर रही 23, 24 और 25 की। इसके अलावा प्रश्न 21, 250 गज के प्लॉट्स, 250 गज के प्रश्न 21 के प्लॉट्स, उनमें 2 कैटेगरीज हैं, 2 किस्म की रीजन्स हैं। एक बिल्कुल गोल्फ के सामने जो कि लेवल प्लॉट्स हैं और आगे जाके थोड़े टेढ़े मेढ़े, इस वाले रीजन में प्लॉट्स की कीमतें 65, 70, 75 लाख रुपए तक चली गई थी, 80 लाख रुपए तक चली गई थी, क्योंकि इस रीजन में कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन आगे प्लॉट्स सस्ते हैं। अभी ओवरऑल कोई 10 से 15% इनकी कीमतें भी गिर चुकी हैं, यहाँ पर भी आपको 8-10 लाख रुपये सस्ता प्लॉट मिल जाता है। सेम गोज़ विद प्रश्न 22, बहुत हाई रेट, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दूर होने की वजह से, नॉन प्रैक्टिकल होने की वजह से वो जो हाई पकड़े हुए था वो अब वापस टूट रही है। वहाँ पर खड्डे के प्लॉट या आपको थोड़े से नॉन कन्वेंशनल प्लॉट आपको 55 लाख रुपए तक के भी मिल जाते हैं, जबकि अच्छे प्लॉट आपको वहाँ पर 70-75 लाख रुपये के मिलते हैं, जो कि 85 की डिमांड में थे। यानी ओवरऑल इस रीजन की मैं बात करूँ तो ये बहुत खूबसूरत रीजन है, थोड़ा दूर है, नॉन प्रैक्टिकल अभी भी है क्योंकि तकरीबन गेट से 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी ज्योग्राफी है, जो इम्पैक्ट है, जो हाइट है, वो बहुत मज़ेदार है। तो अगले 5, 7, 8, 10 सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लिवेबल जगह होने वाली है, अभी नहीं। तो इस पूरे रीजन की गिरावट है, इसमें गिरावट है और सेलिंग का शिकार है और दम तोड़ता हुआ नज़र आता है अगले कुछ अरसे में भी, पीक पकड़ता नजर नहीं आता। ये था ओवरऑल सिनेरियो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी, या आइंदा आने वाली वीडियोस आपको उसी तरह से मिलेंगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस रीजन के बारे में ये बता सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।